दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी बैंक ने अपने लिए गए फैसले पर यू टर्न लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी बैंक SBI के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि इस फैसले पर यू टर्न लेते हुए अब अपनी भर्ती से जुड़े सर्कुलर को SBI ने वापस ले लिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। SBI के इस फरमान पर दिल्ली महिला आयोग ने इसे अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया था। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों बताया था। इस विरोधी दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया गया था। स्वाति मालीवाल के ट्वीट के बाद नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यह गाइडलाइन भेदभावपूर्ण और अवैध है। इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके बाद SBI ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संशोधित दिशा निर्देशों को स्थगित किया है। हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू जिला में करशईगाड़ पंचायत के एक गांव चलाथर स्थित एक इमारत में शनिवार रात अचानक से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पंचायत के प्रधान शारदा देवी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इमारत में सो रहे चौकीदार को ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचाया। उन्होंने बताया कि मकान काष्ठकुनी शैली में बनाया गया था, जो कि इमारत से सटे लगा हुआ है। पंचायत के प्रधान ने ये भी बताया कि शनिवार रात मकान में अचानक से आग लग गई थी। मोहल्ले के लोगों ने जब लपेटे उठते देखी तो उन्होंने शोर मचाया और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। झारखंड में एक नए मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ गया है, जहां पर झारखंड के धनबाद और बोकारो जिले में भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। इसे लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर लोग अपनी भाषा को लेकर अड़िग है। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि आज सिर्फ 2 जिलों में इस भाषा को लागू किया गया है, कल पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सकता है, जिससे झारखंडी भाषा के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले का स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस निर्णय को वापस लिया जाए, नहीं तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि ऐसे में संबंधित प्रशासन को भी प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार इस मामले पर अपना क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। रविवार को हरियाणा स्थित स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में निशुल्क विशाल जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों से संबंधित करीबन 150 से अधिक रोगियों की जांच की गई। इस दौरान हिसार के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स पहुंचे और पीड़ित मरीजों का उपचार किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मदान, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मदान के साथ ही आदि लोगों ने विभिन्न रोगों से संबंधित करीबन 150 से अधिक रोगियों की जाँच की। इस मौके पर रोगियों की शुगर, HB, ECG, BP आदि के निशुल्क टेस्ट किए गए तथा रोगियों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर में कस्बे के बुजुर्ग तथा युवाओं ने शिविर का लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रकार की जांच करवाई तथा चिकित्सकों से अपनी बीमारी से संबंधित परामर्श लिया। देखिए, आज हमने तो शाम में पंजाबी धर्मशाला में एक विशाल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मैं डॉक्टर अंकित मदान हूँ, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अंजलि मदान आए हुए हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मीना आए हुए हैं, जो स्त्री रोग से संबंधित विषयों को देखते हैं। डॉक्टर अमित हैं, जो सामान्य रोग TB, दमा, शुगर, दिल के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एवं डॉक्टर सावी भटनागर आए हुए हैं, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन सब रोगों का हमने आज यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है, जिसमें सभी मरीजों की निःशुल्क जाँच की जा रही है, चाहे वो हड्डी रोग का हो, चाहे पेट रोग का हो, चाहे हृदय रोग का हो, चाहे दंत रोग का हो, चाहे बाल रोग का हो। इन सभी रोगों की आज यहाँ पे निःशुल्क जाँच की जा रही है। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। MP से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 12 साल के कालू नाम के लड़के की उसके ही हम उम्र दोस्त ने गला दबाकर हत्या कर दी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखापुर के 7 वर्षीय बालक कालू की हत्या का खुलासा घटना के दूसरे ही दिन कर दिया है। दरअसल कालू का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसी के साथ खेलने वाला उसका 12 वर्षीय दोस्त निकला। बुरहानपुर जिले में नाबालिग 7 वर्षीय बालक का हत्यारा उसका 12 वर्षीय दोस्त ही निकला। दरअसल 12 वर्षीय किरण अपने पिता के साथ एक खेत की रखवाली करता है और कालू तथा किरण दोनों दोस्त थे, लेकिन घटना वाले दिन खेत का मालिक खेत देखने आया था, तभी कालू भी वहां पहुंचा और चने तोड़ने लगा।
जिसे किरण द्वारा मना करने पर कालू नहीं माना और कालू ने किरण को माँ की गाली दे दी। ये सुनकर किरण गुस्सा हो गया क्योंकि किरण की माँ नहीं है। गुस्से में किरण ने कालू का गला और मुंह दबा दिया, जिससे कालू की मौके पर ही मौत हो गई। किरण को लगा कि कालू बेहोश हो गया है और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन जब किरण मौके पर पहुंचा तो देखा कि कालू वहीं पड़ा हुआ है, जिसके बाद किरण ने मृतक कालू के घर जाकर सूचना दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने किरण से पूछताछ करने पर किरण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने किरण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे बाल किशोर सुधार गृह भेज दिया है। 7 वर्ष के बालक की हत्या का मामला काफी हीनियस टाइप का था। इसके अंदर जो है वो परसों शाम को 4 बजे के आसपास में एक घटनाक्रम हुआ, जिसके अंदर 7 साल का एक बालक कालू करके एक है, वो शेखापुर गांव का रहने वाला, वो पड़ोस के खेत में जो है वो चने का खेत था, उस चने के खेत की रखवाली एक दिनेश नाम का लड़का जो 12 साल का है और उसके पिता वो करते है, वहां पे उनका घर बना हुआ है। कालू जो है वो बार बार उसके साथ में कभी कभी खेलने के लिए जाया करता था। उस दिन परसों जो दोपहर में उस चने के खेत का मालिक जो है वो वहाँ पे आया हुआ था। कालू वहाँ पे खेत में गया और उसने जो है वो कुछ चने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो दिनेश ने उसको कहा कि अभी चने मत तोड़, वो मालिक आया हुआ है करके। इसी बात को लेकर जो है वो उनमें कुछ गाली गलौच हो गया। वो 7 साल के बच्चे ने उसको जो है वो माँ पर से गाली दे दी। जो दिनेश नाम का लड़का है 12 साल का, उसकी माँ नहीं है। उसका ये कहना है कि जैसे ही उसने माँ से गाली दी और उसके बाद में उन दोनों में झगड़ा हुआ, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने उसको माँ से गाली दी है, और उसके बाद में फिर उसने जो है वो उसको जोश में आके उसका गला दबा दिया। तो उसको लगा कि पहले तो ये बेहोश हो गया है, वहाँ पे वो लगभग आधा घंटा बैठा रहा, फिर बाद में चला गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे आके भी उसने जो है वो देखा वहाँ पर कि हो सकता है कि वो बच्चा उठ के जो है अपने घर चला गया होगा, मगर जब उसने देखा तो लड़का वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो वो स्वयं ही वहाँ पर आके घर पे आके और उसके जो मृत बच्चा है उसकी माँ को उसने कहा कि आपका बच्चा जो है वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और वो कुछ देर आगे तक जो है वो बच्चे को लेके आया हुआ है। इस तरीके से उसने स्वयं ने ही जानकारी दी, और उसके बाद में फिर तत्काल उसने मामला पंजीबद्ध कर बच्चे से पूछताछ कर और उसके अंदर जो है वो बाल किशोर न्यायालय के अंदर इसको आज पेश करेंगे और अग्रिम कार्यवाही हम लोग करवा रहे हैं। बुरहानपुर से संवाददाता अनिल सोहले की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी शॉप ऐप को।